पिछली बार मैंने जो राजमा बोई थी वो सारी खराब हो गई थी, तो इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं लिया और मैं लेकर आया सीडलिंग ट्रे और कोकोपीट। इस बार पहले मैं सारा बीज सीडलिंग ट्रे में ही जर्मिनेट करूंगा। इस्तेमाल करने से पहले कोकोपीट को भिगाना पड़ेगा जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो कोकोपीट में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको भिगो लिया और अब डालूंगा मैं इसे ट्रे में। ट्रे में इसे अच्छी तरह बिछाने के बाद मैं इसमें भिंडी का बीज बो देता हूं और बीज को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा जिससे बीज अच्छे से जर्मिनेट हो सके। इसके साथ साथ मैं दो ट्रे और तैयार करता हूं जिसमें मैं करेला और बीन्स के बीज बो देता हूँ। इन ट्रे को अच्छे से सेट करने के बाद मैं इनको धूप में रख देता हूँ जिससे इसमें धूप भी लगती रहे और इसमें जर्मिनेशन जल्दी हो जाए। अब जब इन ट्रे में जर्मिनेशन हो जाएगा तब इसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।